राम जी, आज है 12 नवंबर 2023 और सुबह के 10 बजे का टाइम हुआ है और आज दिवाली, तो सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम सोनप्रयाग में हैं, यहाँ पे पीछे बाइक पार्किंग है, लेकिन हमने यहाँ पे बाइक पार्क कर दी क्योंकि वहाँ पर 50 रुपये पर डे में 12 घंटे के ले रहे, तो 24 घंटे के 100 रुपये हो गए। और यहाँ पे 200 रुपये में आप 2-3 दिन 4 दिन 3 दिन रुकना हो यहाँ पे। और यहाँ पे टैरिफ की बात करें तो डबल बेड 2500 का, ट्रिपल बेड 3000 का, 4 बेड 4000 का, डॉर्मेट्री 300 रुपये है। अभी ऊपर जा रहे हैं तो आगे की बात जानकारी हम आपको आगे। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक हो रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर आपने पहले बनवा रखा था, जैसे हमने गंगोत्री बनवा लिया था, और अगर आपने नहीं बनवा रखा तो यहाँ पे आपका बन भी जाएगा। तो जैसे ऑनलाइन अभी नहीं बन रहे, ऑनलाइन में मना कर रहे हैं कि अभी फुल हो गया है, लेकिन अगर यहाँ पे आप आते हो तो अभी भी बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लो जी, यहाँ पर आ गए हैं सोनप्रयाग से। अभी यहाँ पर हमें मिलेगी शेयर टैक्सी, जो कि आप देख रहे हो। ₹50 पर पर्सन। लो जी, अभी 11 बजे का टाइम हुआ है और अभी हम यहाँ से गोरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। जो शेयर टैक्सी आती है, जो मेरे पीछे दिख रही है, इन्होंने यहाँ पे उतार दिया, ₹50 लिए थे सोनप्रयाग से। और अभी आप देख सकते हो केदारनाथ यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही जो मेन मार्केट आएगी, वहाँ पर गर्म पानी का कुंड होगा नीचे जाके, तो वहाँ पे पहले नहाएंगे। उसके बाद जो ये सामान है, एक्स्ट्रा सामान ले रखा हमने कुछ, इसको वहाँ पे ठीक कर देंगे, जिस वाई रखवाएंगे, उसके बाद हम ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। तो चलो आगे मिलते हैं मार्केट में। अभी नहा के गोरीकुंड से और अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी है। लो भाई, फाइनली ऑफिशियली ट्रैक शुरू कर दिया है। ये यहाँ पे मेन गेट था, इससे थोड़ा सा पहले आप जाओगे तो वहाँ पे प्रीपेड काउंटर मिलेगा जहाँ से आप घोड़े खच्चर ले सकते हो। यहाँ से 16 किलोमीटर का ट्रैक है और टाइम की बात करें तो 2 बजे हैं, लगभग 7 से 8 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। पहले प्लान था कि दिवाली पर आरती देखेंगे, लेकिन आरती नहीं देख पाएंगे, तो कल दिखाएंगे आरती, बाकी आज दर्शन जरूर करा देंगे। लो भाई, केदारनाथ धाम पे पहला वाटरफॉल आ गया है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। यहाँ से आप पानी भर सकते हो और बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इतने बढ़ जाते हैं कि यहाँ तक या यहाँ तक आ जाते हैं। लगभग 2 किलोमीटर आ चुके हैं। और अभी यस भाई, क्या खा रहे हैं भाई? थोड़ा फल फ्रूट्स खा रहे हैं, और ऐसे ऑयली चीज़ों से अच्छा तो ये खा लो तो पेट नहीं ख़राब होगा। बट थोड़ा कॉस्टली है, मगर भाई ने हमने कहा थोड़ा कम कर दो, मान गए, उन्होंने थोड़ा कम भी कर दिया। ये अच्छी चीज़ लगी है भाई। जैसे यमुनोत्री में दिखाया था मैंने बाबा भैरव जी का मंदिर, सेम भैरव मंदिर चीरवासा, तो चीरवासा हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी भैरव बाबा जी का मंदिर है ये सामने। अच्छा, इधर अभी जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ढाबे टाइप में दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पराठा, मैगी, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे खाते चले, रेस्ट करते चले और आराम से चलते रहे। अभी थोड़ी बहुत देर में ठंड हो जाएगी, 4 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका, उसके बाद हम जैकेट पहन लेंगे जो कि बैग के पीछे रखी हुई है। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे। लो भाई, 4:30 हुई है और अभी शायद 3 किलोमीटर आए हैं, और यहाँ पे खाना खा लिया है क्योंकि सुबह ही पराठा खाया था एक, लगभग 9 बजे के आसपास, तो भूख लगी हुई थी। आलू का पराठा था, बहुत अच्छा था, तो एक 50 रुपये का था, तो 2 खा लिए, 2 पराठे मैंने, 2 यस भाई ने, और एक चाय पी ली 20 रुपये की। अभी अच्छा था, और अभी सिर्फ मात्र 2 से 3 किलोमीटर चले होंगे और ऊपर पहाड़ियों पर बर्फ दिखने लगी है। बर्फ तो बिल्कुल नीचे से दिख रही है भाई। अभी हमें जाते जाते लगभग 11 बजने वाले हैं, लगभग तो दिखाते हैं आपको। लो जी, 5 बजे का टाइम हुआ है और अभी तक हम 5.5 किलोमीटर आ चुके हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। केदारनाथ 10.5 किलोमीटर, छोटी लिंचोली 3.5, बेस कैंप 9, बीमली 5। जो ये बेस कैंप है ना 9, यहाँ से आपको कैंपिंग वैम्पिंग सारी चीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर आगे तक मिलती रहेगी केदारनाथ टेम्पल तक, और बीच में भी आपको जगह जगह रहने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। जय भोलेनाथ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। एक रोज भाई कदम।
ये ऐसी चीजें पहले हमें सिर्फ अमरनाथ यात्रा में देखने को मिली थी, अब की बार पहली बार हमें केदारनाथ धाम। जी अभी भीमबली पहुंच चुके हैं और यहाँ से रामबाड़ा की दूरी की तय करें तो 1 किलोमीटर है, उसके बाद छोटा लिंचोली 2.5, लिंचोली 5, सानी कैंप 6, रुद्रा पॉइंट 8, बेस कैंप 8.5 और केदारनाथ 10। तो यहाँ से बोलते हैं रामबाड़ा से बिल्कुल आधी दूरी रह जाती है और जो पहले रास्ता जाता था केदारनाथ के लिए वो भी रामबाड़ा से ही अलग होता था। तो अभी मात्र 1 किलोमीटर दूर है रामबाड़ा, हम पहुँचने वाले हैं रामबाड़ा, वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त व्यू होता है, आपको दिखाते हैं। लो जी अभी भीमबली पहुंच चुके हैं और यहाँ से मात्र 0.5 किलोमीटर दूर है रामबाड़ा, जहाँ से बोलते हैं कि आधी दूरी हो जाती है। और यहाँ से भीमबली से 2 रूट हैं, ये पॉइंट है, यहाँ से 1 रूट नीचे जाता है ये वाला, ये मोस्टली घोड़े खच्चरों के लिए है, जैसा कि आप देख रहे हो घोड़े खच्चर आ रहे हैं, ये मोस्टली इनके लिए है, पर वैसे भी जा सकते हैं यात्री। और ये वहाँ पर जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन यहाँ से यात्री जाते हैं। और दूसरा रूट है ये, यहाँ से जाने का फ़ायदा ये है आपको वहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया व्यू मिल जाएगा जो रामबाड़ा से आता है, एक पुल है, पुल के आसपास है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रामबाड़ा से आगे जो एक पॉइंट है वहाँ पे थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई मिलेगी, सीढ़ियाँ मिलेगी, इस पूरे ट्रैक में यात्रा में वही एक पॉइंट है जहाँ पर थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, टफ ट्रैक है। बाकी देखो भाई कितने खूबसूरत नज़ारे, देखो यहाँ पर छोटा सा वाटरफॉल तो नहीं कह सकते लेकिन ऊपर से पानी आ रहा है पत्थर से, और देखो यात्रा दो जी फाइनली रामबाड़ा पहुंच चुके हैं और अभी रामबाड़ा से ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा सा रामबाड़ा के बारे में बता देते हैं। ये जो जगह है ये पहले बेस कैंप होती थी यात्रा का और यहाँ पे पूरी बड़ी मार्केट होती थी, बहुत बड़ी। लेकिन जब 2013 में फ्लड आया उस टाइम पे सब कुछ यहाँ पे बह गया, ध्वस्त हो गया, और इससे जो पहले का रूट था वो उस तरफ से था लेकिन वो भी टूट गया, अभी ये नया रूट बना है। तो चलो चल रहे हैं आगे। लो भाई भीमबली से जो हम दिखा रहे थे कि 2 रास्ते हैं अलग अलग हैं तो वो यहाँ पे आके मिलते हैं, एक रास्ता पीछे ये है और दूसरा रास्ता ये है, वापस जाते टाइम ये बेस्ट रहेगा क्योंकि यहाँ से नीचे उतरने के बाद आपको फिर ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा, इस पर भी चढ़ना पड़ेगा लेकिन इस पर इतना नहीं चढ़ना पड़ेगा, तो जाते टाइम ये बेस्ट है और आते टाइम वो बेस्ट है क्योंकि उससे व्यू भी दिख जाएगा। तो चलो अभी आगे चल रहे, अंधेरा हो गया देख सकते हैं आप। लो भाई 6:30 बजे का टाइम हुआ है और अभी यहाँ से गोरीकुंड 9 किलोमीटर रहता है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए पहले टोपी पहन रखी थी, अभी ये कैप पहन लिया, जैकेट पहन लिया। एक तो बैग थोड़ा सा भारी लग रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर 2 टेंट है, स्लीपिंग बैग है, मैट है और बिस्किट है, दूध है, मेरे भी कुछ कपड़े हैं इसी टेंट में और बैग में, तो इसलिए थोड़ा सा भारी लग रहा है। बाकी मैं जा रहा हूँ 9 किलोमीटर रहता हूँ। रास्ता देखो भाई अभी कैसा है, देखो, और यहाँ पे इस तरफ है। ओ भाई पानी मिल गया, पानी है भाई ध्यान से, भाई अभी ठंड बढ़ने लग गई यार। और जो साइडों में ना दोनों तरफ स्नो है, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरफ नीचे नालियों में भी स्नो है और ऊपर देखोगे ना पहाड़ों पे भी स्नो है यार, तो मंदिर के सामने कितनी मिलेगी। अभी रास्ता थोड़ा सा ख़राब है लेकिन 2.5-3 किलोमीटर था, जल्दी से पहुँच जाएंगे। टाइम की बात करें तो 8:50 हो गए। लो जी 1 किलोमीटर और रहता है यहाँ से मंदिर, और अभी मंदिर का पहला व्यू दिखने लग गया है और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो, इस तरफ भी स्नोफॉल है और उस तरफ भी स्नोफॉल है, और यहाँ पे जो टेंट वेंट लगे हुए थे ना सारे उठा लिए हैं, अभी बहुत कम टेंट है क्योंकि आज से 2 दिन बाद कपाट बंद हो जाएंगे, इसलिए जितने भी टेंट वेंट थे, क्योंकि अभी हमने नीचे भी देखे थे सिलेंडर थे, गद्दे थे, टेंट थे, वो नीचे लेके जा रहे हैं। बाकी आपको थोड़ा सा पास हो जाते हैं, शायद मंदिर बंद हो गया होगा तो बाहर से पर व्यू दिखाते हैं और कल अच्छे से दर्शन। ये जी यहाँ की टेंट कॉलोनी जिसको नंदी बेस कैंप के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आप अपने टेंट बुक करा सकते हो और यहाँ पे खाने पीने के लिए
पीछे पूरे टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे सामने भाई अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आप यहाँ से दवाई ले सकते हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ है, चिकित्सा इकाई बेस कैंप। ये देखो भाई जो पूरा रास्ता ना जाने का सभी पेपर ठाके के कागज पड़े हुए हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी पेटी चला रखी है। देखो ये भाई दिवाली मनाई जा रही है केदारनाथ धाम में, ये सामने है केदारनाथ बाबा, अब तो पार्क बंद हो गए हैं, कल सुबह दर्शन कराएंगे। ये इस तरह भाई मंदिर। केदारनाथ धाम में दिवाली सेलिब्रेट करते हुए भाई लो जी केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं आप। और इस तरफ अभी भी 10:30-11 बजे का टाइम हो गया है, फिर भी भीड़ बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा, जो पटाखे छुड़ा रहे हैं। अभी भी सुबह आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। लो भाई ये भाई बालरूद भर रहा है इसमें, और अभी ये भाई इसको यहाँ पे भटकाएगा। ओ भाई, और ये चल रहा अभी केदारनाथ धाम के बिल्कुल पास। तो भाई क्या हाल बना दिया दिवाली पे केदारनाथ धाम में, इतने पटाखे तो शायद दिवाली में भी नहीं छोड़े होंगे, मतलब दिल्ली में भी नहीं छोड़े होंगे, दिवाली कह रहा हूँ। और ये सामने है केदारनाथ धाम, इतना खूबसूरत दृश्य है। और यहाँ पर अभी भी आपको भीड़ देखने को मिलेगी, कुछ बंदे यहाँ पे हैं जो सेक रहे हैं हाथों को, और कुछ यहाँ पे हैं। हेलो भैया,